तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को झुंझुनू में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेशन चल रहा है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 कलरफुल पोस्ट कार्ड भेजे हैं। सांसद नरेंद्र कुमार ने बताया कि आजादी के बाद झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र ने जो उपलब्धियां हासिल की और जिन खूबियों के कारण झुंझुनू की पूरे विश्व में अलग ही पहचान है, उनके चित्रों का समावेश करते हुए पोस्ट कार्ड भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं और झुंझुनू में भी आज दिन भर कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा। साथ ही साथ सांसद नरेंद्र कुमार ने 75 पोस्ट कार्ड है वो भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ताकि वो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को आज़ादी के बाद से अब तक जो भी चीज़ें यहाँ की महत्वपूर्ण है, गौरवशाली है या फिर इतिहास को याद रखती है, स्वर्णिम इतिहास में वो दर्ज है, ऐसी चीज़ों की जो जानकारी है वो एक 75 पोस्ट कार्ड अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके तहत और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भेज रहे हैं। सर बताएं क्या भेज रहे हैं? आज हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो हम प्रधान सेवक के नाम से उनको जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है। आज उनका जन्मदिन है। आज उसके जन्मदिन पर हम आज़ादी के बाद जो झुंझुनू जिले में जो भी नए नए इतिहास बने हैं, जैसे जुझार द्वारा झुंझुनू बिछाया हुआ है, खेतड़ी में विवेकानंद जी पधारे थे, खेतड़ी में तांबे की खान है, यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर रानी सती का मंदिर है, अन्य मतलब दार्शनिक जो भी स्थान है उनके 75 पोस्ट कार्ड आज हम जन्मदिन पर उनके पास भेज रहे हैं, जिससे झुंझुनू जिले को याद रखें। तो आज हम मोदी जी के जन्मदिन पर सबसे पहले तो पीएम फंड केयर द्वारा जो हमारे यहाँ 250 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट दिया है, उसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 75 किसानों को उनका बीज वितरण है, पौधा वितरण है, कई तरह के पौधे वितरण जो अभी आज कर रहे हैं। इसके बाद हम दिव्यांगों को 75 उनकी स्कूटी या जिस तरह की जैसी आवश्यकता है वो बांट रहे हैं। आज खेतड़ी से लेकर झुंझुनू तक शहीदों के मान सम्मान के लिए शहीद यात्रा हमारे युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही है। उनमें हम यहाँ शहीद स्मारक पर 2 बजे के लगभग 75 शहीदों की वीरांगनाओं को उनको सम्मानित भी करेंगे और अन्य भी कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि आज एक उत्सव के रूप में पूरे झुंझुनू जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं और कई कार्यक्रम, युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, इसके अलावा आम जन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो भी हो रहे हैं। संदीप केडिया जी, मीडिया झुंझुनू। उधर झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद सर्कल से भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मामंडिया ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में 75 गाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता 75 गाँव ढाणियों कस्बों से गुजरते हुए 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर झुंझुनू पहुंचेंगे, जहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा। वहीं शहीद स्मारक में 75 शहीद परिवारों के सदस्यों, पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह यात्रा निकाली जा रही है। उधर देश भर